राजस्थान में नए सीएम के चयन पर गहलोत गुट ने ब्रेक लगा दिया है। गहलोत समर्थक विधायकों ने हाईकमान की ओर से भेजे गए दोनों ऑब्जर्वर मल्लिकार्जुन खड़गे और अजय माकन से मिलने से मना कर दिया। दिल्ली जाने से पहले माकन ने मीडिया से कहा, सीएम के कहने और उनकी सुविधा अनुसार विधायक दल की बैठक बुलाई गई थी, उसमें विधायकों का नहीं आना अनुशासनहीनता है। हम एक एक विधायक से मिलकर उनकी राय जानना चाहते थे, लेकिन वे सामूहिक रूप से मिलने पर अड़े रहे। माकन ने कहा, गहलोत समर्थक विधायक 102 एमएलए में से ही सीएम बनाने की बात पर अड़े हैं। वे अपनी बात को रेजोल्यूशन में शामिल करने की मांग कर रहे थे, जबकि रेजोल्यूशन एक लाइन का होता है। कांग्रेस के इतिहास में सशर्त रेजोल्यूशन आज तक पास नहीं हुआ है। माकन ने कहा, रात में 3 मंत्री और विधायक का प्रतिनिधिमंडल आया था। उन्होंने 3 मांग रखी और उन्हें प्रस्ताव का हिस्सा बनाने को कहा। एक तो उन्होंने कहा कि रायशुमारी ग्रुप में बात करेंगे, तो हमने उन्हें कहा कि बात तो हम एक एक विधायक से ही करेंगे, यह सिस्टम नहीं होता। दूसरा, उन्होंने सचिन पायलट की जगह 102 विधायकों में से ही सीएम बनाने की मांग रखी, जिस पर हमने उन्हें सब विधायकों की राय से ही फैसला लेने को कहा। तीसरा, उन्होंने अध्यक्ष के चुनाव तक सीएम पर कोई चर्चा नहीं कराने की मांग रखी। यह संभव नहीं है, क्योंकि यह हितों के टकराव का मामला है। उन्होंने तीनों मांगों को हाईकमान को भेजे जाने वाले प्रस्ताव का हिस्सा बनाए जाने की मांग की, तो हमने साफ मना कर दिया कि प्रस्ताव तो एक लाइन का ही जाता है। माकन ने कहा, रात को तीनों विधायकों ने जो 3 मांग रखी, उसमें एक प्रमुख थी कि 19 अक्टूबर या इसके बाद ही नए सीएम पर राय ली जाए। अध्यक्ष पर सब चीज़ें छोड़ी जा रही हैं, तो 19 अक्टूबर को तो जब गहलोत खुद अध्यक्ष बन जाएंगे तो खुद को ही मजबूत करेंगे, तो यह हितों के टकराव का होगा। करके मिलेंगे तो जो आपकी भावना है एग्जैक्टली वो सारी की सारी भावना जो व्यक्ति कर रहे हैं वो कांग्रेस अध्यक्षा को हम बताएंगे, और कांग्रेस अध्यक्षा उसके बाद में अशोक गहलोत जी से बात करके सबसे बात करके फैसला लेंगे। तो इसलिए किसी को ये बात की चिंता नहीं करनी चाहिए कि आपकी बात की भावना और आप लोगों की सोच नहीं जा रही है, लेकिन वो इंसिस्ट करते रहे कि ये तीनों के तीनों रेजोल्यूशन का हिस्सा होना चाहिए और इस कंडीशन के ऊपर रेजोल्यूशन होना चाहिए। तो हमारा ये कहना था कि रेजोल्यूशन कभी भी कांग्रेस के 75 वर्ष के इतिहास में स्ट्रिंग्स लगा करके कंडीशनल रेजोल्यूशन नहीं होता है। रेजोल्यूशन एक लाइन का होता है और कांग्रेस अध्यक्षा को सारी बातों की जानकारी दी जाती है, जिसके बाद में डिसीजन लिया जाता है। और कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के साथ में नहीं होना चाहिए कि आज जो रेजोल्यूशन मूव कर रहे हैं वो इलेक्शन लड़ रहे हैं, और कल को वो अगर कांग्रेस अध्यक्ष बन जाते हैं तो वही अपने ही रेजोल्यूशन के ऊपर फैसला कल करें, तो ये कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, इसलिए ये गलत है। लिहाजा हम लोगों ने उनको खड़गे जी के साथ में मैंने उनको मना करा कि ये कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, एक एक से हम लोग अलग बात करेंगे और सबकी भावना को लेकर के जाएंगे और सबकी बात सुन करके ही कांग्रेस अध्यक्षा फैसला करेंगी। तो ये मैं बात आप लोगों को बताना चाहता हूँ। उसके बाद में हम लोग इंतज़ार करते रहे, वो लोग नहीं आए, और अब हम वापस खड़गे जी और मैं हम दिल्ली जा रहे हैं और अपनी पूरी रिपोर्ट हम लोग कांग्रेस अध्यक्षा को हम लोग सौंपेंगे। लेकिन इस्तीफा दिया विधायकों ने और आप लोगों से मिलने नहीं आए, क्या ये अनुशासनहीनता है? देखिए, अभी हम लोगों को या आपको या किसी को भी ये आइडिया नहीं है कि कितने विधायक थे, कौन विधायक थे जिन्होंने इस्तीफा दिया है या नहीं दिया है। ये आगे समय आएगा और हम लोगों के कांग्रेस के ये सभी के सभी विधायक हैं। हमें पूरी उम्मीद है कि हम सबके सब कांग्रेस के विधायक हम सबके सब लोग बैठ करके हम बात करेंगे और इसका आगे का रास्ता नहीं। अजय माकन जी, सवाल ये है कि जिन लोगों ने कोऑर्डिनेट किया इस तरह की एक मीटिंग धारीवाल जी के यहाँ बुलाई, क्या उनके ऊपर किसी तरह की अनुशासनात्मक कार्रवाई की पार्टी सोच रही है या सोचेगी? देखिए, प्राथमिक दृष्टि से तो ये अनुशासनहीनता है ही है। जब एक ऑफिशियल मीटिंग बुलाई गई है और उसी के पैरेलल अनऑफिशियल कोई मीटिंग बुलाए तो ये प्राथमिक दृष्टि। इस बीच राजस्थान कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा सुबह जयपुर में होटल मैरियट में दोनों ऑब्जर्वर से मिलने पहुंचे। उन्होंने खड़गे माकन से विधायकों की रायशुमारी को लेकर चर्चा की। उधर सीएम गहलोत समर्थक अपने 3 सूत्री एजेंडे पर अड़े हुए हैं कि विधायक गहलोत के अध्यक्ष पद का चुनाव जीतने के बाद ही राजस्थान में उनकी मर्जी से ही सीएम बनाने और पायलट को किसी भी हालत में मौका नहीं देने की गारंटी चाहते हैं। इन विधायकों के प्रतिनिधिमंडल ने देर रात अजय माकन से साफ कह दिया कि 19 अक्टूबर तक किसी तरह की विधायक दल की बैठक में शामिल नहीं होंगे। नए सीएम के चयन पर हुए विवाद और गहलोत समर्थक विधायकों के बागी सुरों को देखते हुए अजय माकन और मल्लिकार्जुन खड़गे ने मनाने का प्रयास किया, लेकिन बात नहीं बनी।
अब दोनों दिल्ली जाकर सोनिया गांधी को पूरे घटनाक्रम की विस्तृत रिपोर्ट सौंपेंगे। इसके बाद में हाईकमान राजस्थान को लेकर कोई फैसला कर सकती है। वहीं खबरों के मुताबिक राजस्थान के मसले को लेकर सोमवार शाम को दिल्ली में 10 जनपद पर बैठक बुलाई गई है। इसमें कांग्रेस के संगठन महासचिव वेणुगोपाल, मल्लिकार्जुन खड़गे और अजय माकन भी मौजूद रहेंगे। UDH मंत्री शांति धारीवाल के बंगले पर आज फिर बैठकों का दौर जारी रहने की संभावना है। गहलोत के समर्थक विधायकों ने अपनी रणनीतिक बैठकों के लिए धारीवाल के बंगले को ही मुख्य सेंटर बनाया है। दिन में विधायक यहां फिर जुटेंगे। धारीवाल के बंगले पर बैठक के बाद कांग्रेस विधायक स्पीकर CP जोशी के बंगले पर जाकर कल रात दिए गए इस्तीफे स्वीकार करने की मांग करेंगे। हालांकि जिस फॉर्मेट में इस्तीफे दिए हैं वे मंजूर नहीं होंगे। अगर इस कुर्सी को बदल दिया गया, अशोक गहलोत को बदल दिया गया, तो आने वाला आदमी जो भी इस पे बैठेगा उसको इतना बड़ा फायदा नहीं मिलेगा और कांग्रेस को नुकसान होगा। तो इसलिए हम ये चाहते हैं कि किसी भी प्रकार से हो, लेकिन अशोक गहलोत यहाँ पर बना रहे। हम नहीं चाहते, हम इस बात को नहीं चाहते कि किसी प्रकार की कोई बात हो। आप हर चीज की जो है, आपने कई दो दो पदे, आप ये बता दें, कोई भी हाईकमान में बैठा हुआ आदमी ये बता दे कि कौन से दो पदे आज अशोक गहलोत के पास जो आप जो है उनका इस्तीफा मांग रहे हो? नहीं है, कोई भी नहीं। कौन से दो पद है? एक ही पद है। कुल मिला के एक पद है मुख्यमंत्री का। जब दूसरा पद मिल जाए तब जाकर के बात उठेगी। आज क्या बात उठ गई जो आज 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 आप इस्तीफा मांगने के लिए तैयार हो रहे हो? तो ये सारा षड्यंत्र जो है, जिस षड्यंत्र ने पंजाब खोया, वो राजस्थान भी खोने जा रहा है। ये तो आप लोग, अपन लोग समझ जाए तब तो राजस्थान बचेगा, वरना राजस्थान भी हाथ से जाएगा। इन सब सियासी घटनाक्रम के बीच सचिन पायलट और उनके समर्थक विधायक लगातार चुप्पी साधे हुए हैं। गहलोत समर्थक विधायकों के विधायक दल की बैठक के बहिष्कार और पायलट का खुलकर विरोध करने के बाद भी अब तक कोई बयान सामने नहीं आया है। राजनीतिक जानकार इसे रणनीतिक चुप्पी बता रहे हैं। आज विधायक दल की बैठक होने वाली है? विधायक दल की बैठक होने वाली है। कितना अच्छा? बहुत अच्छा होगा, जो कुछ होगा अच्छा होगा। पायलट साहब सीएम बन रहे हैं क्या? पायलट साहब सीएम बन रहे क्या? पायलट साहब सीएम बन रहे क्या? जो आकांक्षा। समर्थक विधायकों के बागी तेवर अपनाने के बाद से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का भी कोई बयान नहीं आया है। बदले समीकरण के बीच समर्थक विधायक तो गहलोत के अध्यक्ष पद पर चुनाव लड़ने तक के खिलाफ हो गए हैं। वे उन्हें राजस्थान का CM बने रहने की पैरवी कर रहे हैं। कल शांति धारीवाल के बंगले पर हुई बैठक में यह मुद्दा प्रमुखता से उठा था। गहलोत ने रविवार को जैसलमेर में कहा था कि नया CM उसे बनाए जो सरकार रिपीट करवा सके। यह बात 9 अगस्त को ही हाईकमान को कह दी थी। राजस्थान का अगला मुख्यमंत्री कौन बनेगा, यह तस्वीर भले ही अभी साफ नहीं हो, लेकिन गहलोत सरकार के मंत्री ने आलाकमान से साफ कह दिया है कि उसे याद रखना चाहिए कि 2 साल पहले BJP के साथ मिलकर राजस्थान में गहलोत सरकार को गिराने की साजिश की गई थी। तब 102 विधायकों और सहयोगियों ने मिलकर सरकार को बचाया था। यह बयान रविवार को गहलोत सरकार के राज्य मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग ने दिया था। मेरी तो व्यक्तिगत राय यह है कि भाई पहले भी कांग्रेस के अध्यक्ष CM रहे हैं और CM रहते हुए अध्यक्ष रहे, अध्यक्ष रहते हुए CM रहे, तो मेरा तो यह मानना है कि अभी 1 साल तक कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है। लेकिन फिर भी आलाकमान का फैसला है, कांग्रेस का आंतरिक मामला है, सहयोगी दल का विधायक हूं, सरकार में मंत्री हूं, ये मैं निचोली कांग्रेस वाला आलाकमान फैसला करेगा वो हम सबको भी मान्य होगा, सहयोगी दल के नाते भी हमें मान्य होगा। लेकिन मेरा ये मानना है कि राजनीतिक परिस्थितियों को देखते हुए और अगर गहलोत साहब कांग्रेस अध्यक्ष पद के ऊपर निर्वाचित होते तब ये विषय डेवलप होता है कि भाई मुख्यमंत्री कौन हो। अभी तो अध्यक्ष का चुनाव ही नहीं हुआ है उससे पहले, लेकिन कांग्रेस आलाकमान के पर जो है ये बैठक रखी गई है, तो मालूम पड़ेगा क्या इश्यू है। मुझे तो अभी तक ये नहीं मालूम कि क्या इश्यू है, क्या चर्चा होगी, लेकिन मेरा ये मानना है कि कांग्रेस आलाकमान जो भी निर्णय ले वो निर्णय राजनीतिक परिस्थितियों को विशेष में ध्यान में रखते हुए, जिस तरह से BJP तैयार बैठी है, सरकार को पहले भी गिराने की कोशिश की, फिर गिराने की कोशिश की जाएगी, उन परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए निर्णय लिया जाना चाहिए। क्या आपको क्या लगता है सर? भाई आप देखिए, पिछली बार सरकार गिरी गई थी, 102 MLA अगर एकजुट नहीं रहते, किसी प्रोग्राम में नहीं आए, लोगों को करोड़ों रुपए का ऑफर भी दिया गया लेकिन नहीं वो गए, तो इस पर भी तो मंथन होना चाहिए ना कि क्या ऐसी वो पड़ रही है। आप उन 102 की जो प्रतिबद्धता रही, वफादार रहे कांग्रेस के साथ, सहयोगी दल भी, निर्दलीय भी, लोकदल के, BTP के, कम्युनिस्ट पार्टी के,
वो लोग मतलब एकजुट खड़े होकर के रहे, तो उन्होंने क्या गलती की? वो भी जा सकते थे, मतलब जिन्होंने गलती की उनको आप रिवार्ड कर रहे हैं। तो ये तो मैं, मेरा ये मानना है कि नहीं है। मैं सोचता हूं कांग्रेस आला कमान एक उचित निर्णय लेगा, लोगों की भावनाओं को ध्यान में रखेगा, जनमानस की क्या भावना उसको ध्यान में रखेगा, ये भी ध्यान में रखेगा कि 2023 में सरकार आए किसी भी तरह से, वो भी ध्यान में रखेगा। और मेरा तो मानना है कि बीजेपी तो तैयार बैठी हुई है सरकार गिराने, बिल्कुल उसको तो मौका लगेगा, वो फिर कोशिश करेगी। आप कैसे कर सकते हैं इस बात को? माना ही कह रहा हूँ, कांग्रेस आला कमान का निर्णय हम सबको मानने होगा। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आपको आपके इलाके और प्रदेश की खबरें सबसे पहले मिलें।